कैसे आप लोग दोस्तों, मेरा नाम है शुभ सिंह और दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेडमी वाई वन के बारे में। दोस्तों मुझे पता है रेडमी वाई वन पुराना फोन है और इसे लॉन्च हुए 5 महीने हो गए, तो दोस्तों इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं इसका ट्रूली रिव्यू कि 5 महीने बाद ये फोन कैसा लगता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है 5 महीने के बाद। ये फोन दोस्तों पुराना है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफी अच्छे हैं और रेडमी ने काफी ज्यादा मेहनत किया था इस फोन पे और ये दोस्तों सबसे अच्छा बजट फोन है। तो जाएंगे इस वीडियो में कि इस फोन में ऐसा क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज के बारे में मैंने इसकी रिव्यू की है इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। दोस्तों मैंने इस फोन को खरीदा था दिसंबर के टाइम में, यानी कि इसके लॉन्च होने की 1 महीने के बाद, और इसे मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदा था जो मुझे पड़ा था सिर्फ 11 में। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4+64 GB वाला, जो ये काफी अच्छा है, काफी कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है अभी तक। दोस्तों बात कर लेते इसके यूजर इंटरफेस की। इसमें दोस्तों आपको मिल जाता है Xiaomi का अपना MIUI और दोस्तों जो कि बेस्ट है MIUI 9 पे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि कस्टमाइज्ड UI और स्टॉक UI क्या होता है, तो मैं आई बटन में यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप मैं बताया हूँ कि कस्टमाइज UI और स्टॉक UI क्या होता है, वहाँ से आप देख के पता कर सकते हैं। दोस्तों फोन रन कर रहा है एंड्रॉयड नोगट पे जो कि लेटेस्ट वर्जन है और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है मी की तरफ से कि इसमें ऑडियो अपडेट आएगा या नहीं। और दोस्तों मेरे पास जो फ़ोन है वो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन पे है और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 GB की रैम है और इसका जो प्रोसेसर है 1.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये रन करता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 435 पे और दोस्तों इसका जो UI है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों की टच जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल जहाँ आप टच करेंगे वहीं रिस्पॉन्स लेने लगेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। दोस्तों इसमें आपको मिल जाती है 30,080 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी और मुझे 2 दिन तक का बैकअप दे दी है। हालांकि मैं इस फोन में ज़्यादा हैवी एप्स या हैवी गेम्स यूज़ नहीं करता हूँ, नॉर्मली फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ और फोन जो है वो मुझे 2 दिन की बैटरी आराम से दे देती है। अगर आप इसे हैवी यूज़ करेंगे तो भी आपको ये फोन जो है 6 से 8 घंटे आराम से चल जाएगा, लेकिन अगर आप मॉडरेट यूज़र हो, ज़्यादा हैवी यूजिंग नहीं करते हो, तो आपको कम से कम 2 दिन का बैकअप जो इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर रहे थे परफॉर्मेंस के बारे में कि ये 5 महीने बाद भी कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने इसमें कुछ गेम्स इंस्टॉल किए और इसे प्ले करके देखा तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, कहीं भी हैंग या लैग जो है नहीं कर रहा था फोन। मेरे पास 4 GB रैम वेरिएंट है और ये जो है स्नैपड्रैगन 435 पे रन करता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और बजट फोन्स में तो दोस्तों ये काफ़ी सही साबित हो रहा है। और इस फोन में दोस्तों मुझे किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो महसूस नहीं हुई अगले 5 महीने तक में। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरेज की। दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट है वो 4+64 GB वाला है, तो इसमें दोस्तों आपको 55 GB तक की जो स्टोरेज फ्री मिल सकती है जहां पे आप बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करके रख सकते हो और बहुत सारी मूवीज वीडियोस और म्यूजिक्स भी आप स्टोर करके जो है वो रख सकते हो जो है। और इसका रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन जो है मल्टीटास्किंग में यूज़ करता हूँ और कहीं भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन जो है फोर्स स्टॉप नहीं होता ऑटोमेटिकली। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया है Xiaomi ने इस फोन को लेके, क्योंकि एक बजट फोन है, बजट फोन में इतना कुछ देना जो काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों आपको मिल जाता है फ्रंट में 16 MP का कैमरा और बैक साइड में आपको मिल जाता है 13 MP का कैमरा। दोस्तों जो बैक और फ्रंट दोनों कैमरा जो है फ्लैश सपोर्ट करता है। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप इसमें बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे और मोड्स जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरह की थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफेक्ट्स के लिए। और अंदर में आपको दोस्तों बहुत सारे मेन्यू जो देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों आपको Xiaomi के हर फोन में से देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी को, इतना जूम करो फिर भी तो फट नहीं रहा है कहीं से पिक्चर, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट फ़ोन में। और दोस्तों Xiaomi ने इस फोन को बनाया था क्या लुक में भी ये फोन काफी अच्छा है। इसमें आपको दोस्तों एल्युमिनियम की बॉडी मिल जाएगी जो कि काफी अच्छा और प्रीमियम लुक देगा आपका फोन को। और दोस्तों हार्डवेयर्स भी दोस्तों इसके काफी स्ट्रांग, लेकिन मुझे जो इसमें कॉन लगी वो इसका माइक है। दोस्तों माइक इसका जो है काफी कम साउंड को जो है वो ले पाता है और इससे अगर आप वीडियोग्राफी करते हो तो इसमें आपको साउंड जो है वो थोड़ी कम मिलेगी। वीडियो की जो स्टेबलाइजिंग है वो भी दोस्तों आपको काफी वीक मिलती है इस फोन में, जो कि मुझे थोड़ा कॉन लगा क्योंकि दोस्तों आपको पीछे में 13 MP का कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में 16 MP का। बाकी ओवरऑल लुक जो इसका फोन का है वो काफी अच्छा है दोस्तों, आपको काफी पसंद आएगा ये फोन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप एक बजट फोन ढूंढ रहे हैं जो कि 10,000 के अंदर है या 9,000 के अंदर है, तो दोस्तों आप Redmi 4 ले सकते हो
या रेडमी का Y1 ले सकते हो दोस्तों। दोनों फ़ोन काफ़ी सही है और दोस्तों दोनों फ़ोन में स्पेसिफिकेशन जो है काफ़ी अच्छे हैं बजट फ़ोन के तहत। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो पे दोस्तों लाइक कर दे दोस्तों, मैं में कोई बात हो तो नीचे कमेंट कर दोस्तों, मैं नहीं रिक्वेस्ट प्लीज से प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो सोम सी एम सेंग फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।